ये हमारा थ्री टाइप हीट एक्सचेंजर है। मैं आपको जब भी हीट एक्सचेंज करानी होती है तो आप याद रखिएगा कि आपको एक हॉट और कोल्ड आपको सोर्स चाहिए होता है, जिनके दरमियान आप क्या करते हो, हीट ट्रांसफर करते हो। तो ये हमारे पास थ्री टाइप हीट एक्सचेंजर है, इसके दो एंड ये हैं और दो एंड ये हैं। ये आपका जो है कोल्ड एंड है, ठीक है, एज ए मैंने इंजीनियर से आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास कोल्ड एंड है और ये कोल्ड एंड का आउट है, ये हॉट की इन है और ये हॉट का आउट है, ठीक है। इसके हिसाब से आप आदि हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास पांच टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिया। एक टेम्परेचर सेंसर ये लगा हुआ है T1, T2, T3, T4 और ये जो टैंक के अंदर लगा हुआ है हमारे पास T5। ये हमारा पंप है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये पानी को सर्कुलेट कराएगा। ये हॉट वाटर टैंक है, इसके अंदर आप देखें हमारे पास हमने यहाँ पे रोटामीटर की जगह फ्लो सेंसर लगाए हैं, जिसको हम यूनिट डिस्प्ले के अंदर इजीली देख सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स को, तो आप इसके अंदर डी आयोनाइज वाटर बनते, ठीक है। सेकेंड नंबर पर आपने पम्प के ऊपर इसके ऊपर इस हिस्से के ऊपर हमारे पास आपने बच्चों को करीब नहीं जाने देना, ठीक है, कि इसके कोई ड्यूरिंग ऑपरेशन हमारे पास जो पीछे बैल्ब है वो आपने कोई ना खोले। उसके अलावा अगर आप इसका लेवल चेक करना चाहते हैं, हमारे पास लेवल गेज लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो हमारे हीट एक्सचेंजर के बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो बच्चों को बताते हैं, कि काउंटर और को करंट का पैटर्न होता है, ठीक है। अगर आपने काउंटरली इसको चलाना है तो आप क्या करेंगे, ये बैल्ब और बैल्ब 2 और 3 को आप क्लोज कर देंगे, और अगर आपने को करंट से चलाना है तो आप इसको और इसको कर देंगे। मैं इंजीनियर साहब को मेंशन कर चुका हूँ कि कैसे हमारे पास फ्लो चलेगा। आगे हम ये देख रहे हैं हमारे पास हीटर को हम ऑन करते हैं, ये हीटर ऑन हो जाएगा, हमें इसकी जो लिमिट है वो देखें, हीटर के इंडिकेटर स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा पंप स्टार्ट हो गया है, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा उसकी, ठीक है। ये पंप आ गया, ओके हो गया। तो ये हम नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह जैसे ही आप लोग तो आपके पास जब वाटर सप्लाई बहाल हो जाएगी तो आप लोग उसकी मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र के रिजल्ट ले सकते हो।